इतना बड़ा मुर्गा मैंने नहीं देखा आज तक, बहुत ही ना माशाल्लाह बड़े साइज में। वेट कितना भी होगा तो यार इसका कह रहे हैं वेट भी ना 6-7 किलो है। और भाई बता रहे हैं कि जो लोग इंपोर्ट कराते हैं ना वो 2-2 लाख रुपए के बेचते हैं, हम लोग यहीं से ले लेते हैं। चेक करें माशाल्लाह है खूबसूरत मुर्गा, कितने का है तनवीर भाई? ये मिलेगा 4500 रुपए का। सस्ता है यार, 4500 रुपए का और मुर्गा भाई टॉप क्लास मुर्गा है, बड़ा प्यारा मुर्गा है। चल तो यार जो हम लोगों ने ग्रीन कलर की तिरपाल लगवानी है ना उसके लिए हमें कुछ सामान की जरूरत थी, तो सामान हम लोगों ने खरीद लिया। हाँ जी बात याद आई है, रैबिट ना ले जाए, जो जो केला यार, यार अभी सामान है साथ नहीं होता यार, बेचारा केला लेके जाता। तो यार ये कह रहे कि रैबिट ले जाते हैं एक नया, जो जो के लिए ना मोजो ले जाते हैं, तो मार्केट भी पास या बर्ड मार्केट लेके जाना। तो यार अभी चलते हैं, पहले मोजो को पकड़ते हैं और फिर घर चलते हैं। यार रैबिट लेने हम लोग आ चुके हैं, इधर जो है ना भाई के पास 2 रैबिट ये पड़े हैं माशाल्लाह, चेक करें बड़ा ही ना खूबसूरत पेड़ है। लेकिन भाई कह रहे हैं मैंने सिंगल फीमेल नहीं देनी, दोनों साथ ही दूंगा। और इधर जो है ना ये सिंगल सिंगल पड़े हुए हैं, और इनमें भाई के प्यारा मुझे नज़र नहीं आया फिलहाल ना, एक ही वाइट पड़ी हुई है, ये फीमेल है वो पीछे बैठी है, लेकिन उसके ना फेस पर थोड़ी चोट लगी है। ओ भाई साहब इतना बड़ा मुर्गा, तो यार मुर्गा चेक करें इतना बड़े साइज में ना, पकड़ना ज़रा इसको यार, ये बहुत बड़ा मुर्गा है भाई साहब। अभी वीडियो में छोटा नजर आ रहा होगा लेकिन रियल में बहुत बड़ा है। ये कौन सी ब्रीड है तनवीर भाई? ये शामू है। शामू है? हाँ जी एक बार शामू है माशाल्लाह, ये पूरा ब्रीडर जोड़ा है। अच्छा इसकी फीमेल भी पड़ी हुई है। फीमेल भी है इसकी? फीमेल भी इसके है, वो अंडे दे रही है। अच्छा तो यार अंडे भी साथ इसके है। अच्छा तो ये प्योर शामू मुर्गा है। तो इसकी प्राइस क्या है? इसकी जोड़े की 65,000 रुपया प्राइस है। 65,000 जाए, कई भाइयों ने बड़े शेड लगाए हुए हैं, वो 2-2 लाख रुपया मुर्गे के मांग रहे हैं, ना मुर्गे ना मुर्गों की जात में। ये अगर कोई भाई आके लाइव देखेगा तो इंशाल्लाह उसकी तबीयत खुश होगी कि शामो ये चीज होती है। तो यार बहुत ही ना माशाल्लाह बड़े साइज में, और आपने 65,000 रुपए का देना है? 65,000 मुर्गी भी है साथ आएगा, कमा बेची और मजीद कर ले। अच्छा यानी के कम हो जाएगा थोड़ा बहुत। मुर्गी भी है साथ, वो भी शामू है? शामू मुर्गी है, शामू और 4 अंडे भी। अगर किसी ने अंडा लेना हो खाली, फिर जी अंडा लेना हो खाली, अंडा लेना हो तो 3,000 रुपए का मिलेगा। तो यार 3,000 रुपए का इसका ना आप लोग अंडा भी ले सकते हैं माशाल्लाह, यार बहुत ही ना खूबसूरत और बड़े साइज में मुर्गा है। ये चेक करें क्या बात है। हाँ जी कैसा लगा? बहुत अच्छा ले ले यार। तो यार इतना बड़ा ना, इतना बड़ा मुर्गा मैंने नहीं देखा आज तक, बहुत ही ना माशाल्लाह बड़े साइज में। वेट कितना भी होगा? मेरे 6-7 किलो। तो यार इसका कह रहे हैं वेट भी ना 6-7 किलो है। और भाई बता रहे हैं कि जो लोग इंपोर्ट कराते हैं ना वो 2-2 लाख रुपए के बेचते हैं, हम लोग यहीं से ले लेते हैं। तो यार ये बहुत ही बड़ा मुर्गा यार माशाल्लाह, चलो छोड़ो इसको नीचे। ओ भाई साहब कमाल यार, ये मुर्गा निकालना जरा बाहर। तो यार ये भी अच्छा मुर्गा है, निकालो इसको बाहर। ओए मारता है ये तो, मार ये तो भाई शाका की तरह। तनवीर भाई निकालना जरा इसको यार, ये ओए 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 भाई पड़ गया अंदर भाई। तो यार बड़ा गुस्से वाला है, चेक करें माशाल्लाह है खूबसूरत मुर्गा। कितने का है तनवीर भाई? ये मिलेगा 4500 रुपए का। सस्ता है यार, ओए 4500 रुपए का। और मुर्गा भाई टॉप क्लास मुर्गा है, बड़ा प्यारा मुर्गा है, चल क्रॉस। हाँ जी ब्रीडर मुर्गा है, 4500 रुपए का। तो यार जिसने भी लेना हो ना, ये है जी तनवीर भाई की दुकान, आमिर बर्ड शॉप, ये नंबर लिखा हुआ है। दाना वगैरह मुर्गे कबूतर सब कुछ जो है ना तनवीर भाई के पास अवेलेबल है, दिखाना ज़रा। तो यार ये चेक करें, इसी ने मारा, ये बड़ा ही भाई ख़तरनाक मुर्गा, ये भी शाका का भाई ही है ये। यार अभी ना तनवीर भाई के तरले का रहे हैं हम लोग, कि इन्हीं में से ना हमें भी दे दो, चेक करें माशाल्लाह कितनी ना भारी फीमेल है। ये मेल है ये वाला? वो वाली फीमेल है, बच्चे तो नहीं इसके पेट में? यार बहुत ही मोटी है, चेक करें कितनी मोटी। इसका वैसे भी माशाल्लाह इसको पलाया पलाया, ये फ्रूट पे पली हुई है। अच्छा सेब आड़ू ये ऐसी। अच्छा तो यार यानी कि ये पली हुई है, अभी फ़िलहाल कंफर्म नहीं है कि इसके पेड़ में बच्चे हों, लेकिन बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत है। तनवीर भाई फिर यार ये सिंगल दे दो मुझे। यार मैं तो कहता हूँ पेड़ जो है ना ख़राब हो जाएगा। कुछ नहीं होता, ये कोई और ले जाएगा, किसी और को ज़रूरत पड़ जाएगा। एक दे दो अब, हमें भी इनकार करना है। चलो ठीक हो गया। तो यार ये माशाल्लाह ना बड़ी खूबसूरत सी फीमेल है, और भाई के तरले गए हैं, भाई ने कहा ले जो, चलो इसको पैक कर दें। ये वाली मुर्गी भी ना माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत मुर्गी है। कितने की है ये तनवीर भाई? ये 4500 रुपए की। ये भी 4500 रुपए की है।
चले ओके तनवीर भाई, अल्लाह हाफिज़। शान भाई आप चक्कर चक्कर लगाते रहे करें, आपके बहुत लड़के आके आपका पूछते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं कि हमने शान भाई को मिलना है, वो कब आते हैं? आते हैं आपकी दुकान पे, बात करवाएं शान भाई से। तो यार ये भाई बता रहे हैं कि ना बच्चे आते रहते हैं और आके पूछते हैं मेरा, तो आप तनवीर भाई की दुकान पे चक्कर लगाते रहा करें, इंशाल्लाह किसी दिन ना मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि हम लोग तनवीर भाई के पास ही आते हैं, आते रहते हमारे पास भाई। यार तंग ना किया करें, बस कुछ लेना हो ना फिर तनवीर भाई के पास आया करें। ओके हो गया तनवीर भाई, अल्लाह। यार हम लोगों ने रैबिट खरीद लिया, तो अब ये भाई बेचने आ गए, इनके वाइट वाइट ही हैं लेकिन ये ना थोड़े गंदे हुए हैं, इस वजह से ना ब्राउन हुए हैं। चलो आ जाओ, चलें चलो। ये क्या कबूतर बैठे हैं ऊपर, दो तीन बाहर ही रह गए थे, दो तीन और एक ये भी बैठा, चार, शाका भी खुला हुआ है। यार इनको बंद तो किया करो, तो यार सारी चीज़ें ना खुली हैं। चलो आ जाओ, तो यार अभी ना मिलवाते हैं जोजो को, न्यू मोजो से। ये बैठा है जोजो, जोजो तुम्हारी सारी परेशानी अब दूर होने लगी, इसको स्मेल आ रही हूँ मुझे लग रहा है, चेक करो। तो यार इसको स्मेल आ रही हूँ मुझे लग रहा है शायद, चलो निकालो इसको। तो यार अभी निकालते हैं मोजो को और मिलवाते हैं अपने जोजो से। तो यार ये चेक करें, माशाल्लाह कितनी प्यारी है मोजो। जोजो हाँ जी क्या हुआ है, जोजो को दिखाओ जरा। तो यार जोजो को देखते हैं क्या रिएक्शन है इसके। एक मिनट अंदर ही रहने दो, अभी अंदर ही रहने दो। हाँ जी भाई, अब ओए इधर से टूटा हुआ है सच, ओ गया, निकल गया बाहर। चलो इसको मिलवाओ, उसको पकड़ के लाओ, मोजो को पकड़ के लाओ। तो यार मोजो चेक करें, माशाल्लाह यार बहुत ही प्यारी है। मुझे लगा था कि शायद ना जोजो ज़्यादा प्यारा है प्योर वाइट कलर में, लेकिन भाई मोजो की ज़्यादा ब्यूटी है। पकड़ो इसको, चलो मिलवाओ इसको जोजो से। ये लो जोजो, तुम्हारे लिए न्यू मोजो आ चुकी है, आ जाओ मिलो इससे ज़रा। अब भाई ये मिलेगा ज़रा, चलो चलो चलो, ये आज से तुम्हारी न्यू मोजो आ चुकी है, तो भाई उसको पहचान रहे। वो देखे भाई अंदर चला गया जल्दी से, चलो आ जा बाहर, चल बाहर। तो यार इनकी बड़ी जल्दी मुझे लगता है फ्रेंडशिप हो जाएगी। वो देखे दोनों ही अंदर चले गए, भाई उसको अंदर ले गया है, इनको इनके घर में छोड़ो उधर। तो यार इनको ना इनके असली घर में छोड़ते हैं यहाँ पर, चलो आ गए हो नीचे। तो यार अभी बाकी कबूतरों को भी निकालते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे बाहर आ जाओ, तुम भी बाहर आ जाओ, इनको भी बाहर निकालते हैं, आ जाओ। गब्बर को भी निकालते हैं बाहर, गब्बर को क्या हुआ है, बैठा है माविया, इधर आओ जल्दी आओ, इसको क्या हुआ है, ऐसे सुस्त बैठा है, पकड़ो ज़रा। तो यार मुझे ना गब्बर की तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है, निकालो इसको बाहर। तो यार इधर ना इसकी तबीयत ना ख़राब ही होती जा रही है इधर छत पर, वैसे इसकी ना जगह मैंने यहाँ से चेंज कर देनी है, इसको ना मैंने घर ले जाना है, तो अभी थोड़े दिनों के लिए एक दो दिन यहाँ पर है, उसके बाद यार इसको यहाँ से शिफ्ट कर देना, ठीक है ना। तो यार इसको ना यहाँ से मैंने सीधा घर ले जाना फिर। ओए ओ तेरी भाई साहब, तो यार ये डब्बा जो है ना, इतना मैंने बाजरे का भरा था और सारा ना इसको मैं गीला होने के लिए रख के गया था यहाँ पर, तो यहाँ से भाई साहब इन्होंने नीचे गिराया, और मुझे लगता है ये सारी डक्स ही खा गई दाना। यार कहीं ऊपर ईंट रखनी थी ऊपर, तो यार इतना ज़्यादा बाजरा था, सुबह से मैंने गीला किया था, अब इन्होंने ख़त्म कर दिया। इन्होंने भी खाया मुझे लगता है, इन्होंने भी खाया, और ये शाका भी यहीं पे ही खड़ा हुआ था, तो इसने भी खाया। इधर कौन लड़ पड़ा, ये गब्बर से लड़ पड़ा ये, तो यार ये मुर्गा आज गब्बर से लड़ पड़ा। चल इधर, चल बदतमीज, पहले अच्छा भला डरा हुआ था, आज देखा ना कि ये इसकी तबीयत सही नहीं, आज लड़ पड़ा। तो यार ये गब्बर जो है ना, एक टाइम था कि भाई हर मुर्गे से मुर्गी से डायरेक्ट हो जाता था और जीतता था, तो आजकल इसकी तबीयत यार थोड़ी ख़राब हुई है। खैर टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह मैं दोबारा गब्बर को तैयार करूँगा, और यकीन माने ये शाका और शिकरा इनकी दौड़े लगवाएगा इंशाल्लाह ये दोबारा। यार ये पकड़ो, क्या क्या करना है, बाजरा लेके, और तो यार सारा बाजरा उन्होंने गिरा दिया, अभी ये बाजरा लेके आता है। हम लोग देखते हैं अंदर कबूतरों के अंडे, ये कबूतर एक बैठा हमारा टैडी, कुछ है नीचे, ओ माशाल्लाह इसके भाई दो अंडे यहाँ पे हैं, और इधर भी एक कबूतरी बैठी है यहाँ पर, इसके भी माशाल्लाह भाई दो अंडे गोल्डन के। तो यार इनके ना केजेस बनाने हैं इंशाल्लाह, यार टाइम ही नहीं मिलता, वरना ये जो है ना सारा केज हम लोगों ने सेट करना है ऊपर से नीचे तक। ये बाजरा रखते हैं यहाँ पर, आ जा भाई आ जा शिकरे, चलो। तो यार यहाँ पर शिकरे को छोड़ते हैं, चल भाई शिकरे खा। तो यार जब से हमारी बतखें आई हैं ना बड़ी वाली, भाई साहब हमारे मुर्गे भूखे रह जाते हैं, शिकरा भी भूखा रह जाता है, और बाकी सील मुर्गियाँ जितनी हैं ना वो भी भूखी रह जाती हैं। ले आयो यार कल ना क्या नाम है बोरी ले आते हैं पूरी दाने की। हाँ ले आते हैं। तो यार हमारा दाना ना हम थोड़ा बहुत लाते हैं 2000-3000 का, वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर जो है ना 3-4 दिन हमें ऐसे ना थोड़ा थोड़ा बाजरा लाना पड़ता है, तो कल पूरी बोरी ले आनी है भाई जितने की भी मिली। ओए किस चीज़ को शुरू हो गए हो, ओए सारे उड़ गए। तो यार इनको भूख लगी है, इनको सबसे पहले ना कबूतरों को दाना डालते हैं, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यार कबूतरों को ना दाना डालते हैं, चलो सारा पिला देता हूँ ताकि सारे खा लें। तुमने नहीं खाना दाना, चलो
तो यार ये भी है फिलहाल थोड़ा ज्यादा छोटा, लेकिन खा लेता है खुद ही। चलो खाओ यहाँ से दाना। चलो ये देखे माशाल्लाह खा रहा है। इधर इनको भी पानी डाल दो, इधर कबूतरों का भी पानी ना डाल के अंदर रख दो। क्या हुआ है यार? उसके मुंह से जाग निकल रही है, चेक करो। गब्बर के मुंह से? हाँ। जाग क्यों निकल रही है यार? हाँ भाई गब्बर, क्या हुआ है, मुंह दिखाओ। हाँ ये जाग क्यों निकल रही होगी इसको? पता नहीं यार, इसको ना पैनाडोल पिला देते हैं। जाओ यार इसको ना पैनाडोल मिक्स करके पिला देते हैं। बाकी यार समझ नहीं लग रही जाग क्यों निकल रही है। तो यार इतने भी ये समझदार है ना, यकीन माने मैं इधर आके खड़ा हूँ तो यहाँ पे आके ना बोलने लग गई हैं और यहाँ पे देख रही हैं रोटी की तरफ। इनको भी भूख लगी है, चलो आ जाओ, आओ खाओ। चलो तो यार ये देखें माशाल्लाह बड़ी समझदार है। क्या हुआ है? अंदर से पकड़ के लाओ एक। जाओ 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 जाओ। तो यार किसी का ना एक कबूतर आया है भाई साहब, शाम का टाइम है, पहले भी एक दो चक्कर लगा गया, अब दोबारा आया। चलो ले आओ, आ रहा है, मुड़ा मुड़ा जल्दी। तो यार ये आ रहा है, दिखाओ 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 दिखाओ, अभी देखते हैं कि ओए 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 तुमने ऐसे ही भगा देना। ये आ गया ऊपर, नहीं वो आगे चला गया, उसने देखा ही नहीं इधर को। सारे तुमने पर निकाल दिए यार, पकड़ो ये पर, उठा लो सारे। बड़ी डक्स को भी यार मैंने रोटी वगैरह डाल दी है, वैसे इनका पेट फुल नहीं होना, तो यार बकरे बकरे जितना ये खाती है सारा दिन ही खाती रहती है। और हमटी रमटी भी देखे भाई, रोटी सारी खत्म कर ली है, अब बाजरा। चलो खा लो। तो खैर यार ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या हुआ है? दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।